खबर आजमगढ़ से है, जहां पर सगड़ी तहसील अंतर्गत अंजान शहीद बाजार में एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपी केंद्र पर एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जिसने सभी को सतर्क करने का संदेश दिया है। बता दें कि खुशी फिजियोथेरेपी केंद्र पर एक व्यक्ति अधिकारी बनकर आया और अपना परिचय लखनऊ से आने वाले सरकारी अधिकारी के रूप में दिया। उसने दावा किया कि वह डॉक्टर नागेंद्र यादव के पंजीकरण नंबर की जांच करने के लिए आया है। यह व्यक्ति एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने तुरंत पैसे की मांग शुरू कर दी। फिजियोथेरेपी केंद्र के कर्मचारियों ने इस संदिग्ध व्यक्ति की हरकत को देखकर सतर्कता बरती और जैसे ही कर्मचारियों ने व्यक्ति के व्यवहार पर शक किया और उसका वीडियो बनाना शुरू किया, वह तुरंत वहां से फरार हो गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि लोग कैसे अधिकारी के भेष में आकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह अन्य कई स्थानों पर भी इसी प्रकार से धोखाधड़ी करने का प्रयास कर सकता है। लोगों को सतर्क रहना और इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। गौरतलब है कि ऐसे फर्जी अधिकारियों की पहचान मुश्किल होती है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों के भेष में पूरी योजना के साथ आते हैं। इसलिए किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना बेहद जरूरी हो गया है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RBI9 न्यूज, आजमगढ़। क्या नाम है? डॉक्टर नगेन प्रसाद यादव मेरा नाम है। मेरा एक सेंटर है खुशी फिजियो क्लिनिक के नाम से। मैं 21 तारीख को शाम को करीब 6 बजे के आसपास मैं अपना यहाँ बैठ के सेंटर पे पेशेंट देख रहा था। तब तक एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति आते हैं गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से, और एक आदमी आके मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूछता है और वो फ्रॉड तरीके से पेश आता है मेरे साथ। और फिर वो मगर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद मुझसे 20,000 रुपये का डिमांड करता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे लोग जागरूक हो जाएं और कोई भी डॉक्टर, चिकित्सा, इस तरीके कोई जांच आती है तो उस पर निगरानी रखे और अपने सही ढंग का, मतलब अपने पद का सही ढंग से उपयोग करें। इसकी सूचना आप किसी को दिए हैं? हाँ, मैंने थाने पे प्रार्थना पत्र दिया है और जो है पुलिस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। गलती तो प्रिंट वाला गड़बड़ कर दिया, तो उसमें क्या करूँ? आगे बोर्ड पे लगा हुआ है ना। हाँ, तो इसको तो दूसरा पैड छपाऊंगा, 10 पैड आ गया था, अब दूसरा पैड छपाऊंगा। क्या गलत बताया? 62 हुआ है, नए मिस्टेक हो गया तो छूट गया था, पुराना वाला पैड पे था, ये नया वाला पैड छपा था, तो इससे चलना पे कर दूंगा मैं उसको। क्या नाम आपका?